एक जानवर सुई शौक ही लागी जी, ये शौक लागता लागता लालच हो गया, पैसों का लालच हो गया, पैसा का लालच हो गया। एक देसी बकरी हम पालते हैं और एक ब्रीड पालते हैं, कितना का अंतर है दोनों में? मारो तो कहे वो ही जब पांच जानवर बकरियां का ही पालो, भैंस गाय पालो जी का अलग। इसके अलावा मतलब बकरियों में कोई बीमारी है, जैसे अब आपको तो 3 साल का अनुभव हो गया, तो नए जो लोग देखते हैं तो उनमें एक सवाल रहता है कि उनमें कौन कौन सी बीमारी आती है। एक लिमिटेड जगह में इन्होंने ये काफी अच्छे से डिवाइडेशन कर रखा है। इसके साथ में ये दूसरे जो 2 पोर्शन है ये किसके लिए बनाए हुए आपने? ये बड़ी बकरियां के लिए। तो आपके जो इनके वैक्सीनेशन वगैरह या इनके छोटे मोटे अगर कोई बीमारी होती है तो दवाई वगैरह की कौन करता है व्यवस्था? अब देखो कौन करे, मैं तो आदमी तो बारह नगर चल में तो मैं ही करना था जी। मैं मारो तो खेणो वही जे भाई सभी में लाई जे, जो बकरी पालन करो भैंस गाय की सब लपड़ा छोड़ो, पालो तो पांच है पांच जानवर पालो, पर बढ़िया पालो नस्ल का, क्योंकि एक्सपीरियंस बड़ी चीज है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप बकरियों के डॉक्टर ही माने आपको? अब देखो बात होते मान सको तो भाई। नमस्कार, आज मैं आपको एक गजब का बकरी पालन बिजनेस मॉडल दिखाने वाला हूँ, और इस मॉडल की 2 बड़ी खास बातें हैं। एक तो ये है कि ये जो मॉडल जो चलाने वाले हैं, जो इसके ओनर जो है वो एक महिला है, गांव की एक साधारण सी महिला है, और दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, बकरी पालन जो कर रहे हैं वो एक सीमित जगह में कर रहे हैं, बहुत ही कम जगह में कर रहे हैं। ये 2 बड़ी खास बातें मुझे यहाँ पर, ये जो फार्म हाउस है यहाँ पर पसंद आई है। आपको यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो भी दिखाऊंगा, और वो किस तरह से कर रहे हैं बकरी पालन, कौन सी ब्रीड पाल रहे हैं, उनको क्या खिलाते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीजें आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको जो फार्म के जो ओनर है उनसे मिलवाता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना नाम और गांव बताइए कि आप कहाँ, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? भगवती जी नाम से मारो, और रायतल जयपुर जिला की रह वाली हूँ। भगवती जी इनका नाम है और रायथल जयपुर जिले का एक छोटा सा गांव है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। तो भगवती जी मैं जानना चाहूंगा कि बकरी पालन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताइए। एक जानवर सुई शौक ही लागी जी, ये शौक लागता लागता लालच हो गया, पैसों का लालच हो गया, पैसा का लालच हो गया, पैसों का लालच बड़ी चीज होती है, लालच बड़ी चीज होती है। तो कैसे मतलब अब भी जो 3 साल हो गए आपको बकरी पालन करते हुए, तो अब एक्सपीरियंस कैसा है आपका, कैसा अनुभव है बकरी पालन? बढ़िया है, और सब चीज में जानकारी भी हो गई, इनकी डीवर्मिंग वगैरह या इनके सब मैं ही करूँ, वैक्सीनेशन वगैरह सब ये सारा काम आप खुद ही कर लेती है, क्योंकि एक्सपीरियंस बड़ी चीज है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप बकरियों के डॉक्टर ही माने आपको? अब देखो बात होते मान सको तो भाई, भाई लोग सब भी मान सको तो जी जी। तो जैसे दर्शक आपको देख रहे हैं वो अगर बकरियां खरीदना चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले तो ये जो शेड आपने बना रखा है इसके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो बनाया हुआ है वो कितनी साइज में बनाया हुआ है, क्या इसकी लंबाई है, क्या इसकी चौड़ाई है? 50 फुट लंबो है और 20 फुट चौड़ो है जी। तो काफी कम जगह में ये आपने बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है। अब ये आपके पास में जो बकरियां टोटल है वो कितनी है? मेरे पास 35 जानवर है जी। और शुरुआत आपने कितनी बकरियों से करी थी? 5 बकरियों से, मात्र 5 बकरियों से इन्होंने शुरुआत करी थी, और आज 35 बकरियां इनके पास है। कौन सी ब्रीड आप पाल रहे हैं? सिरोही अजमेरी। तो सिरोही अजमेरी ब्रीड पालने का कारण उसमें क्या, मतलब आपने जो सिलेक्ट करी है सिरोही और जो अजमेरी ब्रीड सिलेक्ट करी है उसका क्या कारण है? इसका कारण है भाई देसी बकरिया में कोई मतलब वाली बात को नहीं जी, और ई विलेट में बढ़िया मुनाफा है जी। तो आपने बकरियां सेल करी है? हाँ। 3 साल के पीरियड में खूब करी होगी? बिल्कुल खूब जी, सेल भी करी है, पाड़ी भी है, और मेरा 35 जानवर हो भी गया, 5 जानवर अभी प्रेजेंट में 35 जानवर बेचने के बाद में। हाँ जी। तो जिसे गांव में हमारे जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर फ्री रहती है, तो जो महिलाएं आपको देख रही है तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं मारो तो खेणो वही जे भाई सभी महिला ही जे, जो बकरी पालन करो भैंस गाय की सब लपड़ा छोड़ो, भैंस गाय में कुछ भी कौन है। जैसे अगर भैंस गाय से अगर हम कंपैरिजन करें तो कितना के, जैसे एक भैंस अगर हम पाल रहे हैं तो उसकी केयर करना और उसको जो खाना दाना खिलाते हैं उसमें हम कितनी बकरियां पाल सकते हैं उसके बारे में? एक भैंस के मायने 10 बकरियां आराम से पाल सको, जो बांट में, चारा में, पानी में, सब कुछ में जी। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और एक भैंस की कीमत में ही एक बकरी बिक जाओ। सिरोही अजमेरी जो ब्रीड आप पाल रहे हैं तो उसको कितना साल हो गया आपको सिरोही बकरी पालते हुए? 2.5-3 साल हो गई मेरे को जी। आप फार्म पे पूरी जो बकरियां है वो सिरोही अजमेरी ब्रीड ही है, सिरोही अजमेरी, इसके अलावा कोई दूसरी ब्रीड नहीं?
तो ये जो फार्म आपने जो बनाया था वो बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले बनाया था या फिर बाद में बनाया था? देखो मारगन देसी बकरियां चीज ना तो यहाँ ही चीज बना फार्म ही, और फिर आस लिया नस्ल जब फार्म बना पच लिया जी। जो आपने जो अनुभव किया कि एक देसी बकरी हम पालते हैं और एक ब्रीड पालते हैं, कितना का अंतर है दोनों में? देसी बकरी में इनमें बहुत बहुत अंतर है जी। मतलब ब्रीड अगर हम पालते हैं हाँ। तो उसमें कमाई अच्छी है, इनमें कमाई बढ़िया है और देसी में कोई कमाई कौन जी। तो मतलब दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको भी आप ब्रीड पालने की सलाह देंगे? हाँ भाई मार दो खेणो वही जो भाई पालो तो पांच आई पांच जानवर पालो पर बढ़िया पालो नस्ल का जी। तो बकरी पालन में कौन कौन सी समस्याएं आती है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे दर्शकों? इनमें तो समस्या तो देखो साल में 3 वैक्सीन कर लिया जना कमाओ जाए नहीं करा जना आज देखो आवाज समस्या जी। इसके अलावा मतलब बकरियों में कोई बीमारी है, जैसे अब आपको तो 3 साल का अनुभव हो गया, तो नए जो लोग देखते हैं तो उनमें एक सवाल रहता है कि उनमें कौन कौन सी बीमारी आती है, अमूमन जो समस्या आती है वो बता दीजिए कि कौन कौन सी समस्या आती है। अभी मैं तो ज्यादा तो समस्या कहीं आवाज है, एक तो आंका भाई दस्त की आवाज है और एक चेक जो आंका आपरा ऊपरी जल्दी आवाज जी। तो उनके बारे में कोई आप सलाह देना चाहेंगे कि जैसे कोई छोटी बीमारी अगर छोटी मोटी आ जाती है तो उनके लिए हमें क्या उपाय करें घर पे? देखो घर पर तो कोई डॉक्टर ना तो मैं तो बुलाऊं को ना, मैं तो घर ही करा जा भाई, कोई आपरो आ जाए तो हींग दे दें, मीठो सोडो दे दें जी, और अगर दस्त हो जाए जना छाछ चाय हल्दी ये दे दें जी। अब मैं आपको इनका सेट दिखाने जा रहा हूँ, जैसे ये जो इन्होंने जो जगह बताई है 25 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा, उसमें इन्होंने 4 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले ये जो पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो पोर्शन है वो भगवती जी किसके लिए आपने कर रखा है? यहाँ को बंटो चंटो पड़े रहे रहे ठेई बनार खिला ध्यान। अच्छा मतलब जो फीड वगैरह है वो यहीं पे हाँ। पड़ा रहता है और यहीं पे इन्होंने चूल्हा वगैरह बना रखा है जो यहीं पे उनको तैयार करके ये बकरियों को खिला देते हैं। उसके बाद में इसी के जस्ट सामने ये दूसरा जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये किसके लिए है? ये छोटा बच्चे के लिए। आप देख पा रहे होंगे इसमें छोटे जो बच्चे हैं वो है, और ये जो पोर्शन है इन्होंने छोटे जो बकरे बकरियां है उनके लिए इन्होंने ये बना रखा है। एक लिमिटेड जगह में इन्होंने ये काफी अच्छे से डिवाइडेशन कर रखा है। इसके साथ में ये दूसरे जो दो पोर्शन है ये किसके लिए बनाए हुए आपने? ये बड़ी बकरियों के लिए। आप देख सकते हैं ये जो दो पोर्शन है ये बराबर के है लगभग, और ये जो पोर्शन है बड़ी बकरियों के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, काफी अच्छे से बना रखा है इन्होंने। आपके पास में ये जो मेल है वो कौन सी ब्रीड का है? वो अजमेरी। मेल कितने हैं आपके पास में? ये बकरियों के लिए तो देखो एक राकेट हो जाए और एक और है तो वो सेल करवाओ कुछ। तो आपके जो इनके वैक्सीनेशन वगैरह या इनके छोटे मोटे अगर कोई बीमारी होती है तो दवाई वगैरह की कौन करता है व्यवस्था? अब देखो कौन करे, मैं तो आदमी तो 12 नगर चाहिए तो मैं ही करा था जी। तो मतलब वैक्सीनेशन वगैरह आप कर लेते हैं हाँ। और छोटे मोटे अगर कोई दवाई वगैरह देने की जरूरत होती है तो वो नहीं तो मैं ही दे लेंगा। अनुभव बड़ी चीज है हाँ। और सलाम है ऐसी महिलाओं को, जो दूसरी जो महिलाएं आपको देख रही है, क्योंकि गाँव में हमारे जो महिलाएं हैं वो फ्री रहती है, और तो दूसरी जो महिलाएं देख रही है आजकल पानी तो सेको ना मारो तो खेबो वही भाई पांच जानवर बकरियां का ही पालो भैंस गाय पालो जी का अलग। बिल्कुल सही बात है, पानी है नहीं खेती में उतनी बचत भी नहीं है, नहीं है। और अगर हम बकरी पालन करेंगे तो मतलब बढ़िया रहेगा। तो इनके खाने दाने की क्या व्यवस्था करते हैं, क्या खिलाते हैं क्या पिलाते हैं? अन ग्वार को चारो और हरी लूम और गाल दें चार, एक घंटो दोपहर पाज खोल लें और एक घंटो सुबह खोल लें। अच्छा बाहर भी चराते हैं? हाँ दोपहर पाज भी चरा जी। आपके खेत वगैरह होंगे? हाँ हाँ। तो ये भी प्लस पॉइंट है, बाहर भी इनको खिलाते हैं और आगे लिए काटना पड़े जाए एक घंटा को टाइम जी। वेट वगैरह गेन करने के लिए इनको क्या खिलाते हैं, क्या दाने वगैरह में क्या देते हैं? सर्दी का टाइम हो तो ध्यान सा बाजरा की राबड़ी जी, और अब गर्मी का टाइम है बाजरा की राबड़ी तो बंद कर दें ला, और मक्का को दड़ियो काकड़ा की खड़ कड़ी खड़ जी, और चना की चूरी ये ध्यान, और जो जो साफ ताई डाला था शाम ने जो। तो आप जो बकरियों की सेल करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, कहीं मंडी में जाते हैं या फिर कहाँ बेचते हैं? यूट्यूब पर चैनल देख कर अठे आ जाए गिराई को अठे सेल करा था, मैं तो मंडी में को ले जाऊँ। अच्छा यूट्यूब पर मतलब आपके नंबर दिए हुए हैं जहाँ से ग्राहक आपको कॉन्टेक्ट करते हैं? हाँ तो मैं आज मेड़ सू ट्राई कर ले जाए फोन कर, और मैं तो अठे बेचा था देखो मंडी में को ले जाऊँ। तो ये जो बकरी पालन का व्यवसाय में आपके पति भी आपके हाथ हाथ बटाते हैं आपका? अब अगर आना रहे जतरा दिन तो बटाओ ही जाए। वो क्या करते हैं? बैठा का टाइलों काम टाइल फिटिंग बाहर रहते हैं। हाँ टाइल फिटिंग को मतलब काम कर रहे हैं बाहर रहते हैं कि मतलब पूरी तरह से आप ही संभाल रहे हैं? हाँ साल में एक महीना आवाज है तो जितना तो बटा वही जात। अच्छा अच्छा लेकिन ये कह सकते हैं मेन रोल जो है वो आपका है? हाँ। ये बकरियों के लिए इन्होंने बाहर बना रखा है, एक छोटी सी जगह है, इसमें बाहर मतलब जैसे गर्मियों का टाइम होता है उसमें रात को भी रह सकती है बकरियां इसमें,
और दिन के समय भी जब यहाँ छाया होती है तो बकरी आराम से यहाँ पे खुले में रह सकती है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इन्होंने नई बकरियाँ मंगवाई है और जो हम इनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ से मंगवाई है और कौन सी बकरियाँ ये लेके आए हैं। भगवती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो आपने बकरियाँ मंगवाई है वो कहाँ से मंगवाई है? अजमेर से। अजमेर से मंगवाई है। कौन सी ब्रीड है ये? अभी रेड है सिरोही अजमेरी। तो अजमेर से आप जो बकरियाँ जो मंगवाते हैं वहाँ से खरीदते हैं, तो वो किस हिसाब से खरीदते हैं वहाँ से, कैसे आपकी जानकारी है? क्या मेरी जानकारी, मैं पहली बकरी ले आया ने जब अजमेर से ले आया तो फिर यूट्यूब पर चैनल चालियो ने जी हिसाब से आगे जानकारी होगी मासू जी सु मां का व्यवहार बने अड़ो छे। ये लेके आए हैं आप? ये लेके आया है और जी सु व्यवहार हुई अड़ो जमा का। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? बुधराज नाम है। कहाँ के रहने वाले आप? मेरा गांव है अजमेर के पास में, पुष्कर के पास, पुष्कर तहसील अजमेर जिला है जी। तो आपके भी बकरियों का फार्म है? ये फार्म अपना ही है जी। तो बुधराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बकरियां आप यहाँ पर छोड़ने के लिए आए हैं, इन्होंने आपसे खरीदी है? हाँ जी। तो हम छोड़ने के लिए नहीं आए, हम वापस भी लेके जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ से लेके भी जाएंगे? लेके भी जाएंगे। हमारा जो फोन पे यूट्यूब पे हमने सौदा कर लिया, वीडियो देख के हमने सौदा किया था। तो इनके तीन चार बच्चे पास हुई तो इन्होंने इनके लिए और हमारे पास हुई है, वो हम ले जाएंगे वापस। मतलब आपस में आप ये लेन देन किया था, जो फार्म की बकरियाँ यहाँ पर इन्होंने खरीदी है और इनके फार्म से हमने खरीदी जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो कॉन्टेक्ट इनसे किस हिसाब से हुआ? वो हमारे फोन के माध्यम से हुआ, यूट्यूब से जी। आज इनके फार्म में बकरियां आई भी है और आप देख सकते हैं ये जा भी रही है, बकरियां यहां से सेल हुई है। तो भगवती जी, अभी आपने जो बकरियां मंगवाई है वो कहां से मंगवाई है? बकरियां तो अजमेर से मंगाया था, अजमेर ही जा रही है बकरियां। अच्छा, ये जो गाड़ी इसी गाड़ी में आई है, इसी गाड़ी में जा रही है। अभी ये कितनी बकरियां लेके जा रहे हैं? ये बकरे लेके जा रहे हैं दो। अच्छा, तो इनसे आपका कॉन्टेक्ट किस हिसाब से हुआ है? YouTube से। अच्छा, मतलब ये YouTube पर जो आपके नंबर डले हुए हैं उनके हिसाब से? हाँ। और माँ का जचकी जना मैं लिया यहाँ कंसूर, आँख जचकी जना हमारी बकरियाँ ले जा रहे। अगर और कोई दर्शक आपसे अगर बकरियाँ खरीदना चाहे तो वो आपसे संपर्क कर सकते? कर सकते हो, YouTube पर मारो नंबर से फोन नंबर। आपके जज्बे को सलाम है कि आपने इतनी जहमत उठा के ये जो अच्छे से आपने कर रखा है और आज 35 बकरियाँ आपके पास में है, और ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करूंगा कि दर्शकों को भी आपका जो मॉडल है वो पसंद आएगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।